सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना। हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका मेडिकल दोस्त और मेरे इस मेडिकल दोस्त चैनल में आप सब लोगों का एक बार से फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे खून को तेजी से हम कैसे बढ़ा सकते हैं इंजेक्शन के जरिए। तो दोस्तों, बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से अंत तक और इस वीडियो का फायदा उठाएं। तो चलिए दोस्तों, पहले हम जानते हैं हमें इंजेक्शन की क्यों ज़रूरत पड़ती है खून बढ़ाने के लिए। दोस्तों, अगर हम किसी खून की कमी हमारे बॉडी में रहती है और हम किसी कैप्सूल या फिर टेबलेट या सिरप का इस्तेमाल करते हैं आयरन बढ़ाने वाली टेबलेट का, और उससे दोस्तों हमारा बॉडी का खून तेज़ी से नहीं बढ़ता, तो दोस्तों उन्हीं कंडीशन में हमें इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है और डॉक्टर लोग प्रिस्क्राइब करते हैं और तेज़ी से हमारे बॉडी में खून की कमी पूरी होने लगती है। तो दोस्तों, पहले जान लेते हैं खून की कमी से क्या क्या समस्याएं होती हैं। दोस्तों, अगर आपके बॉडी में खून की कमी रहती है तो आपकी बॉडी बिल्कुल पीली पड़ जाती है और आपको काफ़ी सुस्ती मालूम देता है, चलने में चक्कर आता है, कमजोरी फील होती है, साथ ही दोस्तों सांस फूलने लगता है। तो दोस्तों, इन तरह की समस्याएं होती हैं जब हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। और दोस्तों, हीमोग्लोबिन की कमी आप कैप्सूल या टेबलेट या सिरप से पूरा कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों कैप्सूल टेबलेट या सिरप से आपके बॉडी में खून की कमी पूरा नहीं हो रहा है तो दोस्तों उन्हीं कंडीशन में हमें इंजेक्शन लगवाने का ज़रूरत पड़ता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक ऐसे आयरन इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है इंजेक्टोफर प्लस। कुछ इस तरह के कागज़ के कॉटन में आता है। दोस्तों, इसमें 5 एम्पुल होते हैं जो कि 1.5 ml के एम्पुल होते हैं। और दोस्तों, ये फॉर इंटरमस्कुलर इंजेक्शन है, यानी कि ओनली मांस में इसे लगाया जाता है। बात करें दोस्तों इसकी कंपनी की, तो दोस्तों ये कॉनवर्जी हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा इस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचा जाता है। साथ ही दोस्तों, इस पे शेड्यूल H ड्रग की वार्निंग दी गई है, यानी कि दोस्तों इस इंजेक्शन को इस्तेमाल करने से पहले आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, उसके बाद ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करें इसके कंपोजिशन की, तो दोस्तों इसमें 2 से 3 साल्ट पड़े हुए हैं जो कि तेज़ी से खून बढ़ाने में काफ़ी मदद करते हैं। पहला जो साल्ट है दोस्तों, आयरन सर्बिटॉल सेट्रिक एसिड कम्प्लेक्स एंड हाइड्रोक्सोकोबालमिन फोलिक एसिड, ये इंजेक्शन है दोस्तों, यानी कि इस तरह के साल्ट इसमें पड़े हुए हैं। दोस्तों, अगर आपका हीमोग्लोबिन 5.4 या फिर 3 हो जाता है तो दोस्तों उन कंडीशन में अगर आप इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो आपके बॉडी में आयरन की कमी तेज़ी से पूरा होने लगती है। और जैसे ही दोस्तों आपके बॉडी में आयरन की कमी पूरा होने लगती है तो आपको काफ़ी ताकत मालूम देने लगता है, आपके बॉडी में काफ़ी स्टेमिना आने लगता है और सांस नहीं फूलता, बॉडी भी आपकी काफ़ी रेड हो जाती है। तो दोस्तों, इन तरह के फ़ायदे होते हैं जब आप इंजेक्शन आयरन के इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, कई बार कुछ महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान उनके बॉडी में खून की कमी आ जाती है जो कि डॉक्टर लोग टेबलेट या कैप्सूल या सिरप से उन आयरन की कमी को रिकवर नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों उन कंडीशन में दोस्तों इंजेक्टोफर प्लस इंजेक्शन का डॉक्टर लोग प्रिस्क्राइब करते हैं और महिलाओं को, जो प्रेग्नेंट महिलाएं रहती हैं, उन्हें इस इंजेक्शन को लगाया जाता है 10 से 15, तो उनका खून काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगता है। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान खून की कमी हो जाना एक आम बात है, क्योंकि दोस्तों प्रेग्नेंट वोमेन अपने खान पान पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती, जिससे उनके बॉडी में खून की कमी आने लगती है, या दोस्तों किसी का एक्सीडेंट हो जाता है जिससे बॉडी का खून काफ़ी बाहर निकल आता है, तो दोस्तों उन कंडीशन में भी आयरन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए दोस्तों, बात करें इस इंजेक्शन को कौन से लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और लगाने का सही तरीका क्या है।
तो दोस्तों इस इंजेक्शन को 18 साल से ऊपर के यंग लोग हों या बुजुर्ग लोग हों, दोनों लोगों को आयरन की कमी में इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। दोस्तों इसका जो डोज है, एक इंजेक्शन आपको एक दिन गैप करके या फिर इसे आप लगातार 10 से 15 दिन इस इंजेक्शन को लगवा सकते हैं। दोस्तों ये फॉर इंटरमस्कुलर इंजेक्शन है, इसलिए इस इंजेक्शन को कभी भी नस में ना लगाएं। ये ओनली मांस में लगाया जाता है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। बात करें दोस्तों इसके साइड इफेक्ट की, तो दोस्तों देख लीजिए इसमें डाले गए साल्ट से अगर आपको एलर्जी है तो उन कंडीशन में इस इंजेक्शन को ना लगवाएं। दोस्तों इसका कुछ खास साइड इफेक्ट नहीं है, बट जिस जगह पर इस इंजेक्शन को लगाया जाता है वहाँ पर रेडनेस पड़ जाना या खुजली होना या एलर्जी की शिकायत होना, तो इस तरह के कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं जो कि सभी को नहीं होता। तो यह था दोस्तों इंजेक्टोफर प्लस इंजेक्शन के बारे में सब कुछ। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। आपके मन में कोई प्रश्न या सुझाव हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।